वो देखो आयशा कुछ खरीद के लाई है बंदर के लिए। जल्दी ला, वो बच्चा भी है, वो रहा छोटा सा। काटेगा नहीं, तेरे को नहीं काटेगा। अरे सुन। वो जा रहा है हेलीकॉप्टर। तू यहाँ क्या कर रही है? तो ये तेरा घर है? मेरी नानी का घर है, ये इसकी नानी का घर है भाई। तो भाई फाइनली सब कुछ हो गया है, ड्रोन शॉट ले लिया, एक सर्कल शॉट लेना था वो ले नहीं पा रहा हूँ बिकॉज बैटरी भी डाउन है और बाज भी आ गया था बहुत बड़ा, तो डर लग रहा था कहीं वो अटैक ना कर दे ड्रोन पे, और यहाँ पर अगर गिर गया ड्रोन तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो रिस्क नहीं लेना, बाद में देख लेंगे। बाद में क्या, एक शॉट ले लिया, वो एक शॉट ही सब कुछ कर देगा तुम्हारा। तो अब नीचे चलते हैं फटाफट से, यहाँ से कुछ 1.5 से 2 घंटे लगेंगे नीचे पहुँचने में। कहाँ पे? चोपटा। आयशा को भी रास्ते में से पिक करना है, वो आई नहीं ऊपर तक, पहुँच नहीं पाई बल्कि उसकी हालत ख़राब होगी। तो फिलहाल निकलते हैं फाइनली, बड़ा मजा आया सच बता रहा हूँ। एक मिनट तो बनता भाई, और यहाँ जरूर आना, एक सेकंड देखो। ये आयशा हमारी यहाँ तक आ गई अपने आप। कैसे आई तू? मैं, मेरा एक फ्रेंड मिल गया था, उसने मेरी हेल्प की, उसने मुझे चॉकलेट भी दी और बोल रहा चल मैं तेरे को ऊपर लेके चलता हूँ, और ये लोग तो चले गए तो मुझे छोड़ के वहाँ पे नीचे, छोड़ के मतलब मेरी तबीयत खराब हो गई थी तो ये लोग मुझे नीचे ही बिठा के चले गए थे, और वो लड़का मुझे ऊपर तक लेके आया। तो टुंगनाथ तक तो ये आ गई, ऊपर इसका जाना सेफ नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इसको। नहीं अब तो धूप है, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, बट फिर भी टाइम लग जाएगा। हाँ टाइम लगेगा, बाकी अच्छे है, नज़ारे अच्छे हैं वहाँ से। ड्रोन शॉट भी लिया, ले लिया। लेकिन बाज आया इतना बड़ा, देखेगी ना, बहुत बड़ा था वो, तेरे को उड़ा के भी ले जाएगा वो, इतना बड़ा। चश्मा बेर को दे दो। ये टुंगनाथ के यहाँ से नज़ारा है भाई, मैं तो नीचे उतर आया भाई, मुश्किल से 15-20 मिनट लगे, भागता हुआ आ गया। ये तो सब बढ़िया है, और देखो खाई देखो यहाँ से। वो देखो आयशा कुछ खरीद के लाई है बंदर के लिए। जल्दी ला, वो भाग जाएगा। ज्यादा करा बोरा 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 बोरा। अरे दे 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 दे। मैं तो उसको दूंगी छोटे वाले को। लो। वो बच्चा भी है, वो रहा छोटा सा। काटेगा नहीं, तेरे को नहीं काटेगा, वो ज्यादा ज्यादा छीन के भागेगा। ओए अरे बैग नहीं ले लिया। बस खत्म, जाओ अब, चलो उठाओ इसको। अरे सुन। बच्चा तो दे दे अपना, ले खा ले इस नाम से, बेबी दे दियो अपना। लग देख रहा है, गुस्सा कर रहे हैं अभी ये लोग। भागो, चलो चलो। यस यस। नहीं सीधा नीचे जाएगी भाई, रूट यहाँ से। अब आइए इसके अंदर एनर्जी, तब से तो मरी पड़ी थी है रोडों पे लेट लेट के। कोई ऊपर छोड़ दो। तब से तो मरी पड़ी थी, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया। राज रे, वो मैं नहीं जा रही, 100 मीटर बाद मैं नहीं जा रही ऊपर। अब अगले कट पे रुकूंगी, भागती थी। टाइम देख, टाइम देख, अब नीचे के टाइम देख, टाइम नहीं देखना, चल तू चलती रहे। 9:40 हो रहे हैं। 10 बजे तक नीचे भी कैसे? तू तो कल भी ये कह रही थी, मैं तो आधे घंटे में ऊपर चढ़ जाऊंगी। अगर मुंह फूट गया ना तो प्लास्टिक सर्जरी नहीं होगी। हां ये देखो प्लास्टिक घर से ले, मजाक कर कहां पे इस रेड पर करोगी? क्या 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 कहां पे? अच्छा सही कह रहे हैं। देखो यार क्या नजारे हैं, मजेदार भाई, सुपर। मैं तो भाई मतलब लिटरली बता रहा हूँ। हाँ हाँ
भी बनाया था मैंने पूरा शाम। वैसे यार दो दिन के लिए ये ट्रिप अच्छा है, कहने का मतलब है आ सकते हो। दो दिन से ज्यादा रुको, अगर अच्छे से रुकना है तो दो दिन से ज्यादा रुक सकते हो। और इससे आगे बद्रीनाथ भी जा सकते हो इसी रूट से, बहुत सुंदर है रूट ये वाला, पतला है लेकिन बाइकों के लिए अच्छा है। इसको पता नहीं क्या हो गया, ये भागे जा रही है, भागे जा रही है। ओए कहाँ जा रही है? वो जा रहा है हेलीकॉप्टर। तू यहाँ क्या कर रही है? कौन तू? मतलब तू यहाँ पे क्या कर रही है? वहाँ पे क्यों नहीं हेलीकॉप्टर? तूने हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर कहाँ लेके जा रहे हैं इनको? ऊपर केदारनाथ। अच्छा यहाँ से मेरा हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए? नहीं तू? वो कहीं वैसे ही है, आ जा, पता नहीं कहाँ से जा रहा है। किसी का पर्सनल होगा छाए छाए मेरे को। गाइस इसने टुंगनाथ का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छा किया है, तो अभी ये केदारनाथ का भी ट्रैक कंप्लीट करेगी पैदल। नो मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो पहले साफ साफ मना कर रही हूँ। के पैदल फिर कैसे जाएगी? लेके जाना तो हेलीकॉप्टर या घोड़े में लेके जाऊंगा। अच्छा और उतरेगी कैसे? पैदल। पैदल ठीक है, तो तू नीचे तो रुक नहीं सकती ना अकेली। जाऊंगी ना देगी वो हेलीकॉप्टर। हाँ तू कह रहा था वो पर्सनल है, ये भी पर्सनल है। हाँ ये सब लोग केदारनाथ जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। अच्छा क्या शॉर्टकट मार रहे हो? सीधे उतर रहे हो? मैं भी आ रही हूँ। तो गाइस फाइनली अभी अपने को क्या मिला, यानी भाई, भाई अपने कहां से मिल चुके हैं, दिल्ली में मीटअप का प्लान था पर कैंसिल। मैं इनको इतने मैसेज करे भाई हमें भी ज्वाइन करो, हमें भी ज्वाइन करो, फिर कोई मौका नहीं मिल पाया। तो मेरी राइड भी थी रिसेंटली, मैंने इनको मैसेज डाल दिया मैं तो निकल रहा हूँ भाई उत्तराखंड के लिए, और भाई साहब ऐसी जगह पे मीटअप हुआ है कि क्या कह नहीं सकते। तो बहुत खुशी हुई भाई कार्तिक भाई से मिलके, और जब से इंटरसेप्टर लिया ना भाई तुम्हारे वीडियोस देख देख के मेरे को मोटिवेशन हो रही है मॉडिफिकेशन करने की। वन ऑफ द बेस्ट बाइक है भाई। हाँ पावर भी दे देती है और एकदम ये हिली एरिया के लिए टॉर्क जो चाहिए ना। यानी मैं अपनी बाइक में बहुत कम मोड्स कराता था स्टार्टिंग में, डोमिनार थी जब मैं उसे सेल कर, जैसे इंटरसेप्टर लेना फिर मेरे को क्रेज चढ़ गया डॉम की मॉडिफिकेशन कराने है, हाँ कुछ ना कुछ कराना है। बहुत लिस्ट होगी लंबी। चलो भाई चलते हैं, मिलते हैं आप सीधे केदारनाथ पे, अभी तो प्लान बन रहा है। हाँ अभी हम लोग देख रात में आओगे? रात में जितनी जल्दी यहाँ से लौटे, नहीं अभी वो भी पड़ेगा ना दूधताल, क्या है दूधताल पता नहीं है तो देवताल करके, वो भी यहाँ रास्ते में कर लो। फिर केदारनाथ कल आओगे? कल अभी अभी तुम जा रहे हो तो वो भी देवताल भी कर लो, अभी रास्ते में पड़ेगा इसके बारे में पता नहीं है, बाकी पता कर लेना। चलो ठीक है ओके, बोलते हैं बन्नी केदारनाथ में है ना। ओके इधर देख शॉर्टकट मारेगी। किसी ने सच ही कहा है पहाड़ों में आने की बात ही अलग है। क्या जोक नहीं था ये? मेरे पैर में छाला हो गया। हेलो जी फाइनली पहुंच गए हैं, बड़ी हालत खराब हो गई उतरने में, ज़्यादा हालत खराब हुई है, पंजों पे इतना जोर पड़ रहा है, पूरे बॉडी का वेट पंजों पे आता है, तो सबसे मुश्किल पार्ट उतरना ही होता है, चढ़ने तो कैसे भी चले जाओ। खैर मेरे पैर में छाला हो गया, इसके पैर में छाला हो गया, सच बता रहा हूँ उतरना बड़ा मुश्किल है। चढ़ाई तो कुछ भी नहीं है भाई। चलो रेडी करते हैं बाइक को, निकलते हैं यहाँ से। तो ये तेरा घर है? मेरी नानी का घर है, ये इसकी नानी का घर है भाई, और सामने की वादियाँ हैं, तो ये इतनी सुंदर जगह पे शिफ्ट हो गई। yes. दिल्ली छोड़ दी तूने? लोकेश तो खुश हो रहा है। हाँ इसका घर है तो दहेज मिलेगा। ये चले भाई फाइनली 15-20 मिनट रेस्ट किया और आ गए हैं, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि कल की वीडियो भी एंड नहीं हो पाई थी और आज हम कर देते हैं भाई। बहुत तकलीफ होती है भाई ट्रैकिंग में, पैरों में और जांघों में, पूरे पैर की ना वाट लगती है। जो भाई जिम विम करते होंगे ना बंदे, थाई भाई की एक्सरसाइज करते होंगे, उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बाकी है सही कह रहा हो ना?
अरे फट जाएगी उनके, उनको बुला के देख ले एक बार। हाँ जो भी है भाई, जो ये बोल रहा है वही होगा। ट्रैकिंग के वक्त ना थाई काम भी आती, घुटने काम आते हैं, घुटनों पे सबसे ज्यादा प्रेशर आता है, घुटनों पे पंजों पे, चढ़ते वक्त पंजों पे और चढ़ते वक्त घुटनों पे। हाँ समझ रहे हो भाई। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और मज़ा तो आया, खैर आयशा की हालत ख़राब है, बाकी सबकी खराब है, आयशा क्या मेरी खुद की खराब है। दिल की धड़कन से तो आए जाना, हमारे सब सब के हो जाए आना।